नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश शर्मा। अब आ पहुँचा हूँ परम युद्ध स्थल। ये परम युद्ध स्थल जो है वो अभी हाल ही फिलहाल में बना हुआ है। 26 जनवरी सन 2019 को इसका इनाग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये परम युद्ध स्थल इंडिया गेट के बिल्कुल बराबर में ही बना है। अगर आप इंडिया गेट आ रहे हैं तो यहाँ आना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ उन शहीदों की मूर्तियाँ, कांसे की मूर्तियाँ लगी हुई हैं जिन्होंने अपनी जान हमारे देश भारत पर रक्षा करते करते गंवाई है। और ये जो मूर्तियां हैं उन वीर शहीदों की हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला है। वैसे तो परमवीर चक्र जो है उसकी शुरुआत सन 1950 में की थी राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो हमारे राष्ट्रपति थे। और उसके बाद में लगभग 21 लोगों को ये पुरस्कार, ये जो मेडल है ये दिया जा चुका है। इस मेडल में जो है जो डिज़ाइन किया गया है वो भी कुछ इस तरीके से किया गया है जो दिखाता है कि हाँ ये वास्तव में उन शहीदों के लिए, उनके सर्वोच्च बलिदान को समर्पित है। इसमें आपको जब आप परमवीर चक्र देखेंगे तो आपको एक राउंड कांसे का एक चक्र मिलेगा, एक मेडल मिलेगा। उस मेडल में आपको दधीची की जो हड्डियाँ थी, जो बलिदान के प्रतीक हैं खुद दधीची, उनकी हड्डियों से जो वज्र बना था उसके डिज़ाइन की हुई 4 वज्र दिखाई देंगे उसमें परमवीर चक्र में। उसके अलावा ये जो चक्र है वो एक पट्टी से लटका रहता है और इस पट्टी की जो चौड़ाई है उसकी भी एक डिज़ाइन किया गया है स्पेशली 32 मिलीमीटर का। और इसका कलर जो होता है वो बैंगनी कलर का होता है, तो एक स्पेशली डिज़ाइन मेडल है। जब आप परम युद्ध स्थल आते हैं तो आपको एक आउटर रिंग दिखाई देगी। उस आउटर रिंग पर मूर्तियां लगी हुई हैं। इस आउटर रिंग पर जो मूर्तियां लगी हुई हैं, सबसे पहली जो मूर्ति है वो लगी है मेजर धन सिंह थापा की। मेजर धन सिंह थापा लद्दाख में गोरखा राइफल्स में तैनात थे और सन 1962 के इंडिया चाइना युद्ध में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी ली। लगभग लगातार चाइना के 3 युद्धों को विफल करने के दौरान उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और इसके लिए इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जो अगली मूर्ति हमें दिखाई देती है वो मिलती है सूबेदार जोगिंदर सिंह जी की। कहते हैं कि सन 1962 के चीन भारत चीन युद्ध में जोगिंदर सिंह जी ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश में उनकी बटालियन के ऊपर 2 बार हमला किया जिसे उन्होंने पूरी तरीके से विफल किया, लेकिन इसमें बहुत बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। और जब तीसरी बार युद्ध के लिए चीनी सैनिक आए तो उन्होंने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी और बाकी सैनिकों को भी प्रेरित किया कि वो आएं, आगे बढ़ें और चीनी जो सैनिक थे उनसे लड़ाई लड़ें। और इस तरीके से उस युद्ध में उन्होंने अपनी जान गंवाई जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसी क्रम में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो अगली जो मूर्ति दिखाई पड़ती है वो मिलती है हमें मेजर शैतान सिंह की, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। मेजर शैतान सिंह कुमायूं रेजिमेंट में तैनात थे और समुद्र तट से लगभग 17,000 फीट ऊपर लद्दाख में वो अपनी बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे। और भारत चीन युद्ध में 1962 के भारत चीन युद्ध में उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। साथ ही अपने सैनिकों को, जो अपने सैनिक थे, अपनी रेजिमेंट थी, उनको प्रेरित किया आगे लड़ने के लिए और उन्होंने अपनी पोस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ी। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो जो चौथी मूर्ति हमें दिखाई देती है वो मिलती है लेफ्टिनेंट कर्नल एवी तारापुर की, यानी अर्धशेर ब्रूजर्जी तारापुर की। 1965 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने अपने रेजिमेंट का कमांड किया और उनकी कमांडिंग में उनकी रेजिमेंट ने 60 पाकिस्तानी टैंकों को तबाह कर दिया था। उसके अलावा उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया जिसके लिए इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आगे जो अगली मूर्ति दिखाई देती है वो मिलती है CQMH अब्दुल हमीद की। 1965 के भारत पाक युद्ध में खेमकरन सेक्टर में जब पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला किया तो उस हमले को विफल करने के लिए अब्दुल हमीद ने अपनी जीप से जो पाकिस्तानी सेना के टैंक थे उनको ध्वस्त किया था। हालांकि उस युद्ध में अब्दुल हमीद वीरगति को प्राप्त हुए लेकिन बाद में इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में आगे बढ़े तो अगली मूर्ति हमें दिखाई पड़ी लांस नायक अल्बर्ट एका की। 1971 के भारत पाक युद्ध में अल्बर्ट एका ने भागीदारी ली और अपनी
कंपनी की रक्षा करते हुए उन्होंने खुद दुश्मन के खेमे में घुस गए और संगीनों से जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनको मारा। इसमें वो घायल भी हुए, लेकिन घायल होने के बावजूद भी उन्होंने आगे लड़ाई जारी रखी और वीरगति को प्राप्त हुए। इसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। सन 1971 के ही भारत पाक युद्ध में एक और वीर शहीद ने अपनी जान गंवाई थी, जिनका नाम था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। अपने साथियों की जान बचाने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों पर हमला किया और लगभग 10 टैंकों को उन्होंने अकेले ही ध्वस्त कर दिया था। अपने इस अदम्य साहस के लिए अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। वहीं सन 1971 के ही भारत पाक युद्ध में मेजर होशियार सिंह ने भी अदम्य साहस का परिचय दिया था। उन्होंने अपने सैनिकों की जान बचाई, साथ ही साथ पाकिस्तानी सैनिकों को भी पीछे खदेड़ा, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जब हम आगे बढ़े तो हमें अगली जो मूर्ति दिखाई पड़ी वो दिखाई पड़ी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों की, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान जो है उन्होंने दुश्मनों की जो एयरक्राफ्ट से उनके जो विमान थे उन पर भारी गोलाबारी की और उनको ध्वस्त किया था। वहीं 10वीं मूर्ति लगी है मेजर रामास्वामी परमेश्वरन की। रामास्वामी परमेश्वरन सन 1987 में ऑपरेशन पवन के दौरान श्रीलंका गए थे। श्रीलंका से लौटते समय उनके ग्रुप को, उनकी रेजिमेंट को आतंकवादियों ने घेर लिया था। उस हमले को नाकाम करने में रामास्वामी परमेश्वरन ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन उन्होंने 5 आतंकवादियों को मार गिराया और अपने साथियों की जान बचाई, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कुछ ऐसे ही अदम्य साहस का परिचय देती हुई अगली मूर्ति सूबेदार बाना सिंह की है। सूबेदार बाना सिंह 26 जून 1987 को उस प्लाटून में, उस टुकड़ी में शामिल हुए अपनी स्वेच्छा से, जो सियाचिन ग्लेशियर में जा रही थी पाकिस्तान की सेना पर हमला करने के लिए, अपनी चौकी को छुड़ाने के लिए। जिस ऊंचाई पर, जहां सांस लेना मुश्किल होता है, जहां बर्फीले तूफान होते हैं और -50 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ सूबेदार बाना सिंह अपनी स्वेच्छा से गए और पाकिस्तानी सैनिकों से अपनी जो पोस्ट थी, जो चौकी थी, उसको पूरी तरीके से मुक्त कराया। इसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। 11 गोरखा राइफल में तैनात मनोज कुमार पांडे ने घायल होने के बावजूद भी पाकिस्तानी सैनिकों से अपने बंकरों को आज़ाद कराया। इसके अलावा कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट भी उतारा। इस उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वहीं अगली मूर्ति लगी है राइफलमैन संजय कुमार की, जिन्होंने 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में तैनात रहते हुए जम्मू कश्मीर की मस्को घाटी में पाकिस्तानी सैनिकों से बंकरों को आज़ाद करवाया था। इस दौरान राइफलमैन संजय कुमार ने पाकिस्तानी सैनिकों से आमने सामने की लड़ाई की और जब उनके अदम्य साहस को देखते हुए वो भागने लगे तो उन्होंने संजय कुमार ने उन्हीं की राइफल से उन्हीं पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इसी क्रम में अगली मूर्ति लगी है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की। योगेंद्र सिंह यादव को ऑपरेशन विजय यानी कारगिल युद्ध के दौरान ही टाइगर हिल टॉप पर कब्जा करने का टास्क मिला था। उस टास्क में उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और टाइगर हिल टॉप पर कब्जा किया। वहीं अगली मूर्ति लगी है कैप्टन विक्रम बत्रा की, जो 13 जम्मू कश्मीर राइफल में कैप्टन के पद पर तैनात थे। भारत पाक युद्ध में कारगिल की लड़ाई में उन्होंने अपनी अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्हें 0.5140 और 4875 पर कब्जा करने का काम दिया गया था, जिन्हें उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। हालांकि इस युद्ध में उन्होंने अपनी जान गंवाई, लेकिन उनके अदम्य साहस और प्रेरणादायक नेतृत्व को नमन करते हुए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया।
वहीं आज़ादी के बाद सन 1948 में भारत पाक युद्ध के दौरान सिख रेजिमेंट में तैनात लांस नायक करम सिंह ने जम्मू कश्मीर की रिजमर गली में एक टुकड़ी को कमांड किया। उस टुकड़ी ने उन पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा जिन्होंने बंदूकों की गोलियों से और मोर्टार से हमला किया था भारतीय टुकड़ियों पर, भारतीय बंकरों पर। उनके हमले को नाकाम किया, भारतीय सैनिकों की जान बचाई। इस अदम्य साहस के लिए लांस नायक करम सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। वहीं अगली मूर्ति लगी है कैप्टन गुरुचंद सिंह सलारिया की, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन गुरुबचन सिंह सलारिया गोरखा राइफल्स में तैनात थे, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ मिशन कार्य के लिए एलिजाबेथ विले में तैनात किया गया, कटंगी सैनिकों द्वारा लगाए गए रोड के अवरोधों को हटाने के लिए, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। और इसमें उन्होंने 40 से ज़्यादा विरोधियों की मौत के घाट भी उतारा, लेकिन इसमें उन्होंने अपनी जान भी गंवाई, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वहीं अगली मूर्ति लगी है मेजर सोमनाथ शर्मा की, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। श्रीनगर के बड़गाम में वो कुमायूं रेजिमेंट में तैनात थे। इस दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने जब श्रीनगर एयरबेस पर हमला किया था, तो उनके आक्रमण को रोकने के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को श्रीनगर एयरबेस पर कब्जा करने से रोक दिया था। उनके इस बलिदान के लिए उन्हें परमवीर। अगली मूर्ति लगी है नायक जदुनाथ सिंह की। नायक जदुनाथ सिंह राजपूत रेजिमेंट में जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में एक चौकी को इंचार्ज कर रहे थे। उस चौकी पर जब पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला किया, तो उसमें उनके 27 जवानों में से 24 जवान या तो शहीद हो गए या घायल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों के हमले को नाकाम किया और अपनी चौकी को बचाने में कामयाब रहे। इस बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र के लिए भी सम्मानित किया गया। वहीं अगली मूर्ति लगी है सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे की। 1948 में बॉम्बे सेपर्स में तैनात राम राघोबा राणे को बारूदी सुरंगों को हटाने के कमान सौंपा गया था। इस काम को करते समय उनके 5 से ज़्यादा सैनिक घायल हो गए, लेकिन घायल होने के बावजूद भी उन्होंने बारूदी सुरंग को हटाकर भारतीय टैंकों के लिए सुरक्षित रास्ता दिया। इसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। वहीं अगली मूर्ति लगी है कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह की, जिन्होंने 6 राजपूताना राइफल में रहते हुए तिथावल में, जम्मू कश्मीर के तिथावल में शत्रुओं से एक पहाड़ी को आज़ाद कराया था। इस कार्य में उन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। अगर आप यहाँ आते हैं, तो इन सैनिकों को देखकर, इन सैनिकों की मूर्तियों को देखकर एक गर्व महसूस कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि हमारे सैनिकों ने किस तरीके से अपनी जान अपने देश भारत के लिए गंवाई है। हम भी उनसे कुछ इसी तरीके से की सीख ले सकते हैं। अगर आप यहाँ जाते हैं, तो आप साथ में ही राष्ट्रीय समर स्मारक भी जाना ना भूलें, जो हमारे उन वीर शहीदों की याद दिलाती है, जिन्होंने आज़ादी के बाद से लेकर अब तक अपनी जान गंवाई है। यहाँ जो मूर्तियाँ लगी हैं, वो केवल परमवीर चक्र विजेताओं की लगी हुई हैं, लेकिन राष्ट्रीय समर स्मारक में उन सभी शहीदों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, जिन्होंने अपनी जान हमारे देश भारत के लिए गंवाई है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में लेकर आऊँगा मैं आपके लिए राष्ट्रीय समर स्मारक। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।